प्रधानमंत्री और ये उनके लिए है जब ये सारी वगैरह और इनका 18 से 40 का बीच में होगा। जैसे आप जिला आपको तो कहीं से ठीक है जिनको जी जैसे ये सब सारा सुविधा इसीलिए सरकार का तरफ उपलब्ध हुआ है 15 फरवरी से यही स्टार्ट हुआ ठीक है। इसका मान लीजिए आपका कितना 20 साल आपका होगा 20 साल होगा मैंने 61 रुपये आपका खाता से कटेगा हर महीने और 61 रुपये सरकार भी 122 रुपये टोटल आपका जमा होगा ठीक है। और जब आप रिटायर हो जाइए मतलब 60 साल जब आप आपका हो जाएंगे तब आपको 3000 रुपये हर महीना जैसे हर आदमी का रिटायरमेंट का टाइमिंग क्या होता है 60 साल यानी रिटायरमेंट से 60 साल में 60 साल जैसे ही आपका होगा आपका खाता में ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा इतना 3000 रुपये हर महीने ठीक है। और आपको जो आप जब ये खुलवाइएगा ठीक है खुलवाने के बाद आपका आप जब खुलवाइएगा खुलवाने के बाद ना आपका एक डेट आ जाएगा महीना में जमा करना है कि हफ्ता में जमा करना ये महीना में जमा करना हर महीना जमा आपका 20 साल बोले ना आप 20 साल बोले ना 61 रुपया हर महीना जमा नहीं करना आपका बैंक खाता है हाँ आपका बैंक खाता से अपने आप कट गया आपको कुछ नहीं करना किसी के पास आपका बैंक खाता से अपने आप कट गया नहीं करना कोई नहीं बैंक खाता अपना पंजाब से रहने वाले नहीं तो आप बोल रहे बैंक खाता आपका पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक का अच्छा पंजाब नेशनल बैंक का आपका बैंक खाता तो कोई बात नहीं है कोई दिक्कत नहीं है कोई भी बैंक का खाता चलेगा बस आपका हर महीना उससे इतने रुपया कटेगा आपका पैसा जब आपको तीन आपका जब 60 साल हो जाएगा तब आपको 3000 रुपये हर महीना पेंशन मिलेगा। अगर बाई चांस आपको अगर पैसा निकालना है आपका तो 10 साल अगर आपको लगातार 10 साल आप भर रहे हैं 10 साल भरने के बाद आपका 120 रुपया करके 10 साल हर महीना करके जोड़ दीजिएगा उसके बाद उसका 60% आप निकाल सकते हैं 60% उसका निकाल सकते हैं 40% आपको छोड़ना पड़ेगा हाँ क्योंकि वो चीज़ जब छोड़िएगा तो आपको वही पैसा जो है पेंशन के थ्रू आपको मिलेगा समझे बात को और कुछ पूछना आपको ये मतलब कुछ करना पड़ेगा हाँ इसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा हम आपका खाता खोल देंगे मतलब ये वाला जो आपका पहला 61 रुपया जो है वो आपको हमको देना पड़ेगा पर उससे ज़्यादा आपको आपको कुछ नहीं नया खाता खुलवा के चालू करना है कोई दिक्कत नहीं आप नया खाता भी खुलवा सकते हैं लेकिन उस खाता में आपको पैसा रखना पड़ेगा कितना रखना पड़ेगा वो तो आपके ऊपर है लेकिन सबसे कम 61 रुपया तो होना चाहिए जो हर महीना कटेगा वो चीज़ होना चाहिए बाकी अकाउंट मेंटेनेंस जो बैंक बोलता है वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है लेकिन इतना रुपया होना जरूरी चाहिए कि हर महीना कट सके आपको ठीक है। अभी प्रधानमंत्री का तरफ से नया योजना आया है ठीक है 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ इसका नाम दिया गया प्रधानमंत्री श्रम योगी मंत्र ठीक है। इसमें जो जिनका पान दुकान है जिनका 15000 से कम इनकम है ठीक है और जिनका PF SI वगैरह का सुविधा नहीं है जिनको पेंशन नहीं मिलता मैंने 60 साल बाद उनके लिए ठीक है। प्रधानमंत्री का तरफ से जो योजना चालू हुआ है वो अभी 18 से 40 के बीच में जो है जिनका उम्र है 18 से 40 के बीच उनके लिए ये सुविधा 18 साल वाले का 55 रुपया खाता से कटेगा हर महीना और 55 रुपया सरकार देगी टोटल 110 रुपया उनका खाता में जाएगा उनका मतलब अलग से सिगरेट दे देते हैं ठीक है। तो ये एक तरह का जैसे PF होता है इसी प्रकार से ये तो इसमें क्या है इसका 40 साल वहाँ पर 200 रुपया कटेगा
200 रुपया जमा, ठीक है, और 200 रुपया कटेगा, 200 रुपया गवर्नमेंट देगी, 400 रुपया टोटल जमा। जमा होने के बाद आप जब 60 साल के हो जाएंगे ना, 60 साल के बाद आपको 3000 रुपये हर महीना पेंशन, हर महीना जैसे एक एम्प्लॉय को मिलता है उसी प्रकार से हर महीना आपको 3000 रुपये पेंशन। कितना साल में मिलेगा? 60 साल हो जाने के बाद आपका 60 साल जैसे जैसे रिटायरमेंट का टाइम जो है गवर्नमेंट के नज़र में उस टाइम आपको पेंशन मिलना चालू होगा। और इसमें पहला जो रकम है आपका एज के हिसाब से जो भी आपका रकम पहला रकम लगेगा वो किसी भी प्रज्ञा केंद्र में आप खुलवा सकते हैं। अभी नज़दीकी आपका प्रज्ञा केंद्र ये अपा मोटर्स के पीछे है, ठीक है, नज़दीकी आपका प्रज्ञा केंद्र जहाँ पे हम हैं, ठीक है, वहाँ पे आप खुलवा सकते हैं। तो पहला जो आपका रकम है वो रकम सिर्फ हमको देना होगा, उसके अलावा कोई चार्ज आपको, ठीक है। और ये पूरी तरह से सरकारी है, गवर्नमेंट स्कीम है पूरी तरह से, इसमें कोई मतलब प्राइवेट वाला काम नहीं, ये पूरा तरह से सरकारी, पूरा तरह से गवर्नमेंट, बस ये देख रहे कि ये सब ये लोग कर रहा है देख रहे, लेकिन ये पूरा तरह से सरकार के लिए। और कुछ आपको पूछना है? तो और क्या पूछेंगे, मतलब अगर मेरे को ये मतलब मेरा अभी 31 हो रहा है, हाँ, तो कितना देना होगा मेरे को? 110 देना होगा, 210 आपका जमा होगा, तो मेरे को लाख पास में कितना मिलेगा? 3000 रुपये हर महीना, हर महीना। उसके सिवा उसका पहले और कुछ नहीं मिलेगा? उससे पहले आप निकाल सकते हैं 60%, 10 साल बाद निकालिएगा तो आप जो पैसा दे रहे हैं 120 रुपया, हाँ, सॉरी 110 रुपया, हाँ, अब गवर्नमेंट जो दे रही है 110 रुपया, टोटल 220 रुपया करके हो रहा ना, ये 220 रुपया करके आपका 10 साल कैलकुलेट करने के बाद जितना पैसा निकल रहा, हाँ, उसका 60% प्लस थोड़ा सा जो है उसका इंटरेस्ट पड़ता वो आपको मिलेगा, समझे, लेकिन 40% जो है वो गवर्नमेंट रखेगी ताकि वो आपको। विद्या तुम्हार नूतन योजना बोलते ठीक है, प्रधानमंत्री दिगल चालू होटर नाम गोटे प्रधानमंत्री श्रम योगी बन ठीक है, इतना 15 फरवरी चालू होते और इतना तुम्हार जे इतना वो है मैंने घर बनाने लेबर काम करे, जे सिलाई काम करे, जे झाड़ू करे, घर नौकरानी करे, जे मोची बोटे सब्जी उब्जी बिके, ठेला लगाए, रिक्शा चलाए, ज़्यादा मैंने काम करवार बाद पेंशन नहीं है अगर जो है क्या बुझे, तो इटा कि तुम्हार 18 बचर ले 40 बचर तक तरह फायदा लीते पाए, जेमन 18 बचर वाला 55 टका कर मैं वार खाता ले काटाबे और 55 टका सरकार दे, टोटल अमाउंट 110 टका वार जमा हो, ठीक है। আর 40 বছর ওলা 200 টাকা ওর খাতালে কাটাছে, 200 টাকা সরকার দিচ্ছে, 400 টাকা এক মাসে ওর জমা হবে, যেমনি ওর 60 বছর হলে ওকে হর মাসে 3000 করে পেনশন, বুঝলে, আরও কিছু সুবিধা আমার আছে, 60 বছর ওদের নাই হবে না, 40 বছর কমের গিলার জন্য 18 বছর পরে 40 বছরের আগে আগে, আরো কিছু সুবিধা করেছে, চলো ঠিক আছে। इसका नाम दिया गया है प्रधानमंत्री श्रम योगी, देखो कभी पढ़े उसके बारे में जानकारी देने के लिए, ये जो योजना है आपका इसमें क्या है, मान लीजिए आपका उम्र कितनी 22 आपका 68 रुपया कटेगा, ठीक है, खाता से सरकार देगी 68
टोटल अमाउंट आपका जमा होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, जब आप 60 साल तक आपका पैसा कटेगा 68 रुपया हर महीना आपका खाता में, पहला जो अमाउंट है 68 रुपीज़ वो हमको देना पड़ेगा आपको, ताकि हम वो आपका पेंशन वाला जो योजना है उसको चालू करवा, ठीक है। इसको चालू करवाने के लिए पहला हम लोग अपना अकाउंट से, मतलब अपना जो वॉलेट है वॉलेट से पेमेंट कर देंगे और ये पैसा आपका खाता में जमा हो जाएगा, वही रकम आपको बच गई। उसके बाद अगले महीने से आपका खाता से ही कटेगा और 60 साल के बाद आपको हर महीना 3,000-3,000 रुपये पेंशन मिलेगा हर महीना, अब जब तक आपका जीवन 60 साल के बाद, हाँ जब तक इसी में देखा आपका आपने बोला जो सही बात है जैसे रिटायरमेंट हर कोई होता है उसको पेंशन मिलता है, उसी प्रकार आपको भी पेंशन मिलेगा। और कुछ पूछना आपको जानकारी है? मेरे आपका नाम क्या? सुब्रत रॉय। सुब्रत रॉय, इनको पहले से ही जानकारी है मेरे तो जानकारी है भाई। और एक्टिव रहते हैं आप, चलिए जान के बहुत अच्छा लगता है। नहीं जानकारी है भाई। ये जो वीडियो है ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। मैंने यूट्यूब में कुछ दिन देखा, ये वीडियो भी आपको यूट्यूब में मिलेगा, आप भी यूट्यूब में दिखेगा। चलिए आते हैं। किसे बुलाओ? बांग्लादेश এটা নতুন যোজনা চালু হয়েছে 15 ফেব্রুয়ারি, ঠিক আছে। এটা প্রধানমন্ত্রী দিল্লি চালু, এটাকে নাম দিয়া যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শ্রম যোগী মন্দির, ঠিক আছে। আর এটা 15 ফেব্রুয়ারি চালু হয়েছে, এটা তোমার ওদের জন্য বটে যে কোম্পানি যা PF SI মানে কোনো দিকে যেমন রিটায়ারমেন্টের বাদে মানে যেমন 60 সালের বাদে কোনো ফায়দা নাই, ঠিক আছে। 60 সালের বাদে 60 বছর বাদে মানুষের একটা শরীরের মোতাবেক থাকে, ওই করতে মানুষ প্রধানমন্ত্রী এই যোজনা চালু করে তোমার কি আছে 18-40-এর ভিতরে যে যে আছে ওরা এই ফায়দা লাভ করতে পারে। এখন তোমার মানে লো 18 বছর আছে, তাহলে পুরো পয়সা জমা করতে হবে 60 সাল তো পয়সা জমা করতে হবে, 50-55 টাকা করে জমা করে করতে হবে হর মাসে করতে হবে, কি তোমার খাতালে কাটা যাবে প্রথমে, তোমার কোনো করতে নেবো তোমার খাতালে কাটা যাবে 55 টাকা, 55 টাকা সরকারও দিবে টোটাল 110 টাকা জমা, বুঝলে। এক মাসে 110 টাকা তোমার, আর 60 সাল জমি হবে তোমার, 60 সাল হওয়ার বাদে 3,000-3,000 টাকা করে পেনশন দেবে হর মাসে 3,000-3,000 করে, যত দিন তুমি তোমার জীবন। আর তোমার বাই চান্স মানে কিছু হয় না বলে নকরি যাচ্ছে তোমার তো না
नाम दिया गया प्रधानमंत्री श्रम योगी, इस योजना को नाम दिया। ये योजना उसी के लिए है जो जिनका कोई पी एफ में एस आई में ये सब कुछ नहीं, उसके लिए ये योजना चालू की। इसमें क्या है, 18 से 40 के भीतर जिसका एज 18 से 40 के अंदर, उसके लिए जैसे 18 साल वाला का लगेगा 55 रुपया हर महीना कटेगा उसका खाता, और 55 रुपया सरकार को 55 हर महीना, 110 रुपया टोटल उसका हर महीना जमा होगा, ठीक है। और 40 साल वाला का 200 रुपया कटेगा, ठीक है, उम्र के साथ। हाँ, और 40 साल वाला का सरकार भी 200 रुपया देगी हर महीना, जैसा आपका कटता है पहले करते थे, करते थे, अभी मेरा कट ही जाता। तो अभी आप कंपनी में कभी फिर से काम कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, फिर से कीजिएगा तो ठीक है, आप जैसा विचार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए पी एफ एस आई वगैरह नहीं है, इसके लिए नहीं है।